भारत की बात में आज बात करेंगे कातिल कुदरत की। जी हां, महाराष्ट्र में पहाड़ खिसकने से 36 लोगों की जान चली गई है। कल महाराष्ट्र का जो चिपलून शहर डूबा था, वहां से पानी तो निकल गया है लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया है। आज रायगढ़ का महाड़ शहर डूबा हुआ है। तीनों सेनाएं राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। हाल यह है कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर पानी बह रहा है, तो मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे बंद करना पड़ा है। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगातार महाराष्ट्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आसमान के वार से कैसे मचा है धरती पर हाहाकार, देखिए कातिल कुदरत का ये प्रहार। ये 12 से 14 फीट तक पानी इस इलाके में भरा हुआ है। वशिष्ठ नदी पर जो पुल बना हुआ है, ये मुंबई से गोवा जाने की सड़क है और ये देख सकते हैं हाल। चार पांच दिन से जोरदार बारिश हो रही है, इसकी वजह से ऐसी घटनाएं बहुत जगह पर हो गई है। टायर में बंधी रस्सी के सहारे लोग एक लड़की को बचाने के लिए खींच रहे हैं। लड़की ने टायर को पकड़ रखा है। लड़की छत तक पहुंच चुकी है लेकिन अचानक हाथ छूट जाता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। इस लड़की का अब तक पता नहीं चला है। ये तस्वीर कल की है लेकिन चिपलून से आज सामने आई है। तस्वीर बताती है कि चिपलून शहर में कैसे कुदरत ने कहर बरपाया है। अरे बाप रे। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तीन तस्वीरें हैं और ये तीनों तस्वीरें उसी चिपलून शहर की हैं जो बारिश और बाढ़ के पानी में डूब गए। पहली तस्वीर बाढ़ बारिश से पहले की है, दूसरी तस्वीर गुरुवार की है और तीसरी तस्वीर आज की है। देखिए कैसे चिपलून शहर में दो दिन पहले तक जिंदगी सामान्य हुआ करती थी लेकिन दो दिन हुई जबरदस्त बारिश ने शहर को पानी में डुबो दिया है। अब भी 2.25 लाख की आबादी वाले इस शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रौनक कुकड़े और कैमरामैन आसिफ इस चिपलून शहर में पहुंचे तो उन्होंने तबाही की तस्वीरें कैमरे में कैद की। रौनक कुकड़े की जुबानी चिपलून शहर की तबाही की कहानी देख लीजिए। चिपलून शहर के इंदिरा गांधी कल्चरल मार्केट के ठीक सामने की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अब भी यहाँ पर करीबन 4 से 5 फीट पानी जो है वो देखने को मिल रहा है और जो जानकारी स्थानिक लोगों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बताई गई, कल जिस तरह की बाढ़ इस शहर में देखने को मिली, करीबन 12 से 14 फीट तक पानी इस इलाके में भरा हुआ था। कई घरों को, दुकानों को नुकसान जो है वो देखने को मिला है। जान माल का भी नुकसान होने की बात सामने निकल कर आ रही है। आप इस गाड़ी को देख सकते हैं, ये गाड़ी कल पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई थी और इस वक्त भी अगर तस्वीरें देखें तो उसका टायर जो है वो पूरी तरीके से यहां पर डूबा हुआ है। ये तस्वीर है चिपलून इलाके की। तो आपको बता दें बेहद नुकसान इस पूरे इलाके में देखने को मिला है। ये घर है, ये दुकान है, आप देख सकते हैं कि इन व्यापारियों का किस तरह से नुकसान जो हुआ है। हर चीज जो है वो भीग चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो काफी नुकसान इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। बिजली इस पूरे इलाके की गुल है, उसकी वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो नेटवर्क है मोबाइल के वो पूरी तरीके से बंद है। अब जरा कल और आज की तस्वीर की तुलना कीजिए। कल शहर में 12 फीट तक पानी भरा हुआ था, आज पानी कम हुआ है लेकिन जिंदगी के पटरी पर लौटने में अभी लंबा वक्त लगेगा।
यह शहर का मशहूर फोटो स्टूडियो है। हमारी टीम जब यहाँ रिपोर्टिंग के लिए पहुंची तो छाया स्टूडियो के मालिक रोहन भी दुकान खोलकर तबाही को समझ रहे थे। रोहन सेठ ने बताया कि दुकान में रखा हुआ सारा उपकरण पानी में डूब गया, करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पूरा फ्लोर तो पूरा नीचे का पानी में ही था, जो दुकान में जितनी मशीनरी वगैरह है, कैमरा वगैरह, वो सब पानी के अंदर चले गए थे। लगभग नहीं बोला तो 10 से 12 फुट पानी दुकान के अंदर भी था। इससे लॉस तो बहुत हुआ है, कम से कम 10 से 12 से लाख तक का लॉस हुआ है हमारा। कल का किस तरह का मंदिर था, कहाँ कैसे, ये जो टैंकर यहाँ दिख रहा है क्या यहीं पे पार्क था? ये टैंकर तो मेरे ख्याल से भाई दूर से नदी के बहाव से बहते हुआ आया है, वो सामने से आया, यहाँ पे टकरा गया, बाद में आके यहाँ पे रुक गया। इस इलाके में कल से पानी कम हुआ है तो बाकी दुकानदार भी अपने दुकान से बचा हुआ सामान समेटते हुए नजर आए। चिपलुन के पास ही पड़ता है खेड़ी, जो कि चिपलुन से 10 किलोमीटर दूर है। एबीपी न्यूज की टीम जब इस रास्ते से गुजरी तो तबाही की तस्वीरें कैसी थी जरा वो देख लीजिए। खेड़ी में भी कल 10 से 12 फीट तक पानी था, हालांकि आज पानी उतर चुका है, लेकिन बर्बादी की तस्वीरें आज भी सड़क पर पड़ी हुई है। देखिए दुकानों का हाल क्या है और रोड पर बहकर आई गाड़ियां कैसे उल्टी पलटी हुई है। पानी कम हुआ है तो लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने में जुटे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिपलुन से 10 किलोमीटर दूर खेड़ी गांव में, और ये खेड़ी गांव में भी कल जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई, यहाँ पर भी करीबन 10 फीट तक पानी जो है वो देखने को मिल रहा था। आपको कुछ तस्वीरें दिखा दे, जब पानी यहाँ पे अब उतरने लगा है तो कई गाड़ियां जो है पानी के बहाव के साथ बहकर यहाँ पर पहुंची थी, उसको हटाने की कोशिश जो है स्थानीय लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो जगह जगह पर कीचड़ जो है वो देखने को मिल रहा है, और कुछ इस तरह से लोग एक दूसरे की मदद जो है वो यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। आपको आगे की तस्वीरें दिखा दें, ये गाड़ी को देखिए, ये भी गाड़ी बहकर यहाँ पर पहुंची हुई है, और ये गाड़ी टू व्हीलर के ऊपर फोर व्हीलर जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है, और कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है जबरदस्त तबाही जो है इस खेड़ी गांव में भी देखने को मिल रही है। आगे की तस्वीर देखिए, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गाड़ी है, एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी, यानी ये 800 के ऊपर ये मारुति हुंडई की गाड़ी, यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, कुछ इस तरह की तबाही जो है इस पूरे खेड़ी गांव में देखने को मिल रही है। चिपलुन और खेड़ी से होकर ही वशिष्ठ नदी गुजरती है, जिसने कल इस पूरे इलाके को अपने में समा लिया था। अब भी खेड़ी के कुछ मोहल्लों में पानी भरा हुआ है और घर की पहली मंजिल तक डूबी हुई है। रौनक कुकड़े बता रहे हैं पानी में डूबे मोहल्ले का हाल। चिपलुन से सटे खेरड़ी गांव के बाजार इलाके में इस वक्त हम मौजूद है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा दे, अब भी बाजार चौक के यहां पर जो दुकानें हैं, जो घर है, वहां से पानी जो है वो कम नहीं हो पाया है। कई घर जो है जो निचले इलाके हैं घरों के, यानी जो ग्राउंड फ्लोर है, वो अब भी पानी में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कार की स्थिति आप देख सकते हैं, ये कार सड़क के किनारे खड़ी थी, पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो उस गड्ढे में जा गिरी है, और इसी तरह की स्थिति जो है पास में जो टू व्हीलर्स देखने को मिल रही है वहां पर भी देखने को मिली है। आपको इस कैमरा पर्सन आसिफ से कहूंगा कि इस तरह की तस्वीरें दिखाए, यहाँ जो दुकानें थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। ये तस्वीर खेड़ी से आई है, जिसमें 35 साल के मंगेश पवार नाम के युवक ने जान जोखिम में लेकर लोगों की मदद की। मंगेश ने पानी में फंसी 5 महिलाओं को सुरक्षित निकाला। मंगेश जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसकी दूसरी मंजिल तक पानी पहुंच गया। पानी जब पहली मंजिल पर था तब लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मदद नहीं मिली तो फिर मंगेश ने साथियों के साथ मिलकर देसी तरीके से साइकिल के ट्यूब के जरिए महिलाओं को बचाया। पास की बिल्डिंग से लोगों ने मोबाइल में ये वीडियो कैद किया। आसमान से वायु सेना के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। जमीन पर नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालात कितने खराब हैं रेस्क्यू की इन दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें मुंबई से सटे रायगढ़ जिले की हैं, जहां कुदरत के कहर ने ऐसी तबाही मचाई कि 3 दर्जन लोगों की मौत हुई।
सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इसे देखकर आसानी से शायद आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें तबाही के जिंदा सबूत हैं। दो अलग अलग जगहों पर हुए भूस्खलन से रायगढ़ जिले में लोगों की मौत हुई है। सबसे बड़ा हादसा तलाई में हुआ, जहां 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। तूफानी बारिश अब भी हो रही है और घटना स्थल पर पहुंचे अफसर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। रायगढ़ के सुतारबाड़ी में भी कुछ लोगों की मौत जमीन खिसकने की वजह से हुई है। एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। रायगढ़ में तबाही का क्या मंजर मौसम ने मचाया है, दिखाने के लिए तले गांव हम पहुंचे हैं और क्या तबाही है तस्वीर बयां कर रही है। मेरे पीछे जो ये वीरान इलाका आप देख रहे हैं, ये कोई वीरान इलाका नहीं बल्कि बसा बसाया एक गांव, तले नाम का एक गांव। यहां 30-32 घर थे और इस घर के ठीक पीछे जो पहाड़ी आपको दिख रही है, लैंडस्लाइड उस पहाड़ी से हुई, पूरा ये इलाका तहस नहस। पूरा जो ये समतल इलाका दिख रहा है आपको, यहाँ पे घर थे, क्या हालत घरों की हुई है जरा योगेंद्र गुप्ता जी दिखाइए, स्थिति कैसी इन घरों की हो रखी है। लगभग यहाँ पर जो लोग रहते थे, अब तक रिकॉर्ड पर 35 के आसपास लोगों की बॉडी मिल चुकी है, मौत हो चुकी है। और जो लोग थे, जैसा है एनडीआरएफ की टीम आपको दिखाई देगी, पुलिस के लोग दिखाई देंगे, आसपास घरों में अभी भी खोजबीन कर रहे हैं। जो घर, जो मलबा है, साथ ही पास में जो नदी बहती है, नदी के उस हिस्से की तरफ आपको लेके चलेंगे। ये जो मलबा ढह के यहाँ से गया है, नदी के आगे की तरफ कई सारे लोग बह के गए हैं, ऐसी भी आशंका एनडीआरएफ ने लगाई है। तो एनडीआरएफ की टीम आगे भी सर्च ऑपरेशन जो है अपना चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके कहा है कि वो महाराष्ट्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की ओर से राज्य को हर संभव मदद की जाएगी। उधर अमित शाह ने भी रायगढ़ के हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ एनडीआरएफ के डीजी से बातचीत की है। रायगढ़ में कुदरत का कहर किस कदर टूटा है, उसकी चार तस्वीरें देखिए। तलाई और सुतारबाड़ी में जमीन खिसकी है तो मुंबई गोवा हाईवे कई जगहों पर बह गया है। अंबा नदी का पानी पुल पर है तो महार शहर तो पानी में डूब चुका है। करीब 30,000 की आबादी वाले महाड शहर के बस स्टैंड की ये तस्वीरें आज सुबह की। कल तो यहाँ सब कुछ डूबा हुआ था, आज कल से पानी कम है लेकिन शहर अब भी पानी में समाया हुआ है। महाड में बड़ी मात्रा में बारिश गिर रही है और उस वजह से पूरे महाड को बारिश के पानी ने पूरे तरह से कवर किया है। यहाँ पे दो नदियाँ हैं, एक सावित्री नदी है, एक गांधारी नदी है, और उनका जो वाटर लेवल है वो बढ़ चुका है और उसी की वजह से पूरा महाड़ शहर अभी पानी के नीचे है। सावित्री नदी के किनारे बसा महाड़ मुंबई शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। हाल ये है कि यहाँ पहुँचने के रास्ते बंद हो चुके हैं। महाड़ शहर में जाने के लिए सिर्फ नाव का सहारा है, लिहाजा रेस्क्यू की टीम मोटर बोट के जरिए बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एनडीआरएफ और नेवी के मोटर बोट लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। महाड शहर में रहने वाले लोगों की हालत क्या है, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाइए। एक शख्स ने अपने घर का वीडियो बनाकर भेजा है जिसमें पानी भरा हुआ दिख रहा है। महाड शहर में जाने का तो रास्ता बंद है ही, महाड तक पहुंचने के लिए हाईवे से आना भी संभव नहीं रह गया है, क्योंकि जगह जगह पानी रोड पर बह रहा है और कई जगह तो रोड ही बह गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नदी का पानी रोड को बहाकर अपने साथ ले जा चुका है। मुंबई गोवा हाईवे पर पड़ने वाले महाड़ में रास्ता बंद होने से लोग फंसे हुए हैं। हमारे रिपोर्टर नीलेश बुधावले को कुछ ऐसे लोग मिले जो कल से ही इस रास्ते पर फंसे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों से जोरों से बारिश अभी भी शुरू है और इसी की वजह से सावित्री नदी का जो पानी का स्तर है, लेवल है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप अभी भी देख सकते हैं, ये मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी अभी भी फंसी हुई है। करीब 20 से 22 घंटे हो चुके हैं आप यहीं पे अटके हुए हो, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आगे कोई चांस नहीं, जब तक कोई पूरा खुला नहीं होता तब तक हम लोग तो यहाँ पर रहने वाले। हम लोग मुरूर जंजीरा से आए हैं, ऑलमोस्ट लाइक 21-22 आवर्स हो चुके हैं
एंड हमसे भी बहुत पहले से लोग यहाँ पे है, लाइक सुबह के 10 बजे से या समथिंग। एंड हमारे साथ तो गाड़ी में एक पेशेंट भी है, तो हमको उनका भी ध्यान रखना है। बहुत तकलीफ हुई है, बार इतनी तकलीफ इससे पहले हमको कभी नहीं हुई थी। रायगढ़ जिले की एक और तस्वीर देखिए, ये बावी के अंबा नदी में आई उफान का नतीजा है। पुल पर पानी बह रहा है और आवाजाही बंद की गई है। एनडीआरएफ की टीम तो आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए पहले ही पहुंच चुकी थी। आज सुबह से नौसेना की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। नौसेना की टीमें रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में तैनात की गई है। बाढ़ बारिश का कहर राज्य में, रत्नागिरी, रायगढ़, सातारा, कोल्हापुर जिलों में भी सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो आपने तस्वीरें देखी, ये रिपोर्ट देखी, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स से इन फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। तो नौसेना की रेस्क्यू टीम भी प्रभावित इलाकों में लगी हुई है मदद पहुंचाने में। रत्नागिरी में सेना की टीम भी रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कंट्रोल रूम जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। ABP News आपको रखे आगे।